नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मधेपुरा नगर परिषद चुनाव में काफी गहमा गहमी के बीच कविता कुमारी साहब मुख्य पार्षद पद के लिए तो वहीं पुष्पलता कुमारी उप मुख्य पार्षद पद के लिए विजय घोषित हुई। कविता कुमारी साह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुमारी विनीता भारती को 244 मतों से पराजित किया। उप मुख्य पार्षद पर विजयी हुई पुष्पलता कुमारी ने अपनी प्रतिद्वंदी नाज खातून को 2425 मतों से शिकस्त दी। मधेपुरा नगर परिषद के 26 वार्डों में इस बार कई नए चेहरे चुनकर सामने आए हैं, तो कई युवा भी जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। वहीं उदा किशनगंज नगर परिषद बनने के बाद पहली बार हुए चुनाव में भी लोगों ने युवा चेहरे पर अपना विश्वास जताया है। उदा किशनगंज नगर परिषद से मुख्य पार्षद पद के लिए अनुसुईया देवी और उप मुख्य पार्षद पद से मिंकी देवी निर्वाचित हुई हैं। आलमनगर पंचायत से मुख्य पार्षद पद पर विजयी हुई गुड़िया देवी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रुमिया देवी को पराजित किया, तो वहीं उप मुख्य पार्षद पद से रानी देवी विजयी हुई और सावित्री देवी दूसरे स्थान पर रहीं। मधेपुरा के ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय को मतगणना केंद्र और वज्र गृह बनाया गया था, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान मधेपुरा SDM नीरज कुमार, SDPO अजय नारायण यादव, CEO योगेंद्र दास, आलमनगर और उदा किशनगंज के तमाम वरीय प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद दिखे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति की गई थी। मतगणना के बाद तीनों नगर निकायों के चयनित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षदों को जीत का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सबसे पहले तो मधेपुरा की तमाम जनता को मेरा सादर प्रणाम, जो मुझे इस लायक समझे और उनके मतलब जो मधेपुरा में रुका हुआ काम है, विकास का काम है, उसको हमको आगे बढ़ाना है और उनके उनके विश्वास पे खरा उतरना है, यही संदेश देना चाहिए। अपने गीत का श्रेय किसको दे रही है? जनता को, जनता को, जनता को। इन्हीं के बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। जो है मालिक का आशीर्वाद है, उसके उम्मीद पर खड़ा उतरने का कोशिश करेंगे, जहां तक होगा खड़ा उतरने का कोशिश भरियक प्रयास करेंगे। जीत का श्रेय किसे देंगे? मधेपुरा नगर परिषद के महान जनता का।